हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ड लेक्चर में। गाइज, थंबनेल देख करके आप तो ये समझ गए होंगे कि इस वीडियो में किस पर बात होने वाली है। तो दोस्तों, बिल्कुल आपने ठीक समझा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेस्टिसाइड, और वो भी केमिकल पेस्टिसाइड, अलग बात है, जो आपके मार्केट में मिलता है। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं और पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको पेस्टिसाइड बनाना है, और वो भी बायो पेस्टिसाइड। मतलब आसानी से बायो पेस्टिसाइड आप अपने घर पर बना सकते हैं, यानी कि 0 रुपए लगा करके लाखों रुपए आप कमा सकते हैं अपने घर बैठे हुए, यानी घर पर ही बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे चलना है और बायो पेस्टिसाइड आपको कैसे तैयार करना है। अब अगले स्टेप में आप लोगों को क्या करना है कि ये आपके सामने नीम की पत्तियाँ दिख रही हैं, ये इस तरीके से, और इस नीम की पत्तियों में से ये जो पेटियोल है, इससे हर एक पिन्ना को, इसको पिन्ना बोलते हैं, हर एक पिन्ना को, यानी कि यहाँ से इस तरीके से अलग कर लेना है। ओके, और अलग करके आप इसी तरीके से रख लीजिएगा। देन उसके बाद अगले स्टेप पे आपको इसको एक कढ़ाई लेना है, और कढ़ाई में इसको 3 लीटर लगभग पानी डाल करके सभी पत्तियों को क्या करना है, इसको उबाल देना है। ठीक है, लगभग 20 से 25 मिनट इसको उबालना है। उसके बाद आप कुछ देर के बाद देखेंगे इसका जो रंग होगा ग्रीन कलर का, जो इसका पूरा प्रोटोप्लास्ट है वो सब का सब निकल जाएगा उसी में, और उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो गाइज, अब आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बर्तन आपको गैस चूल्हे पर इस तरीके से रख लेना है, और जो पत्तियां हमने सेपरेट किया है, लगभग पत्तियां जो नीम की है ये लगभग 250 ग्राम के आसपास है, आप इतना रख सकते हैं। और इसके बाद इसमें 250 ग्राम अगर पत्तियाँ आप ले रहे हैं तो इसमें कम से कम 2 से 3 लीटर आपको पानी डालना है। ठीक है, पेटियोल से सेपरेट करने के बाद पत्तियों को इस तरीके से आपको कढ़ाई में ले लेना है, या फिर आप इसके स्थान पे कोई और भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। ठीक है, ये 2 लीटर की बोतल से हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं। जो पत्तियाँ दिख रही हैं वो सारी पत्तियाँ कम से कम डूब जानी चाहिए, इतना पानी इसमें होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसको उबालने हैं, कम से कम फ्लेम में इसको उबालना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी के साथ इसमें आपको चालू कर देना है, कम से कम फ्लेम में इसको उबाल देना है। देखिए पत्तियां सब डूब चुकी हैं, इतना ही पानी आपको इसमें लेना है। ओके, लगभग 10 मिनट तक इसको आपको गर्म करना है, यानी उबालते रहना है कम से कम फ्लेम में, ज़्यादा तेज इसको गैस को नहीं जलाना है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। तो फाइनली हमने कम से कम फ्लेम में इसको जला दिया है, चालू कर दिया है। अब इसको देखना है, लगभग 10 मिनट तक इसको गर्म होने देना है, मतलब 5 मिनट तो इसको ऐसे ही गर्म होने में लग जाएगा, है ना। और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक इसको चल देने हैं, जब उबाल आने लगे तब आप समझ जाइएगा कि ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इसको उतार लेना है। ठीक, और इसके अंदर जो इसका लिक्विड होगा, यानी जो पानी होगा जो नीम की पत्तियों के साथ उबला हुआ होगा, उसको एक बॉटल में आपको रख लेना है। ठीक है, बड़े से बॉटल में जितना पानी है वो आ जाना चाहिए, उसको रख लेना है। फिर उसके बाद इसको किस प्लांट पर कैसे इसको स्प्रेड करना है, वो पूरा तरीका मैं आपको इसमें कंप्लीट दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगभग हो चुका है, अब ये तैयार हो चुका है। इसको अब हम हल्का, इसको लगभग 1 घंटे तक इसको ठंडा होने देंगे, और गैस यहीं पर आपको बंद कर देना है। लगभग तैयार हो चुका है मटेरियल, यानी कि पेस्टिसाइड बनाने के लिए अभी कंप्लीट ही, हालांकि बन नहीं पाया है, यानी कि अभी प्रोसेस रह गई है। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, थोड़ी देर तक आप बने रहिए, मैं आपको पूरे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। इसको लगभग 1 घंटे तक हमको छोड़ देना है, ठंडा हो जाएगा पानी, यानी कि जो लिक्विड तैयार हुआ है वो ठंडा हो जाएगा, तभी आपको इसको बॉटल में भरना है। ओके, सो गाइस, जब अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिक्विड है वो तैयार हो चुका है, थोड़ा सा हमने इसमें निकाल के रख लिया है, बाकी का उसी बर्तन में रखा हुआ है। यहाँ से करना क्या है, इस ये अब ठंडा हो चुका है, जितना इसमें लिक्विड आपका दिख रहा है, ये नीम का लिक्विड बनाया हुआ है उबालने के बाद जो बना है, वो जितना है ये लगभग 100 ml के आसपास हमको दिख रहा है। तो अगर इतना है तो इसका 3 गुना लगभग आपको इसमें वाटर मिलाना है। ठीक है, 3 गुना। अब उसको इस तरीके से हम डाल देंगे पानी को इसमें। ठीक है, ये इसमें हमने मिक्स कर दिया है वाटर को। अब एक तरीके से पेस्टिसाइड तो ये भी तैयार हो चुका है,
एक तरह से जो पेस्टिसाइड है ये तैयार हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन इसको करना क्या है, इसमें और क्या क्या मिलाना है ये भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए, और इसमें क्या आपको मिक्स करना है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा तरीके से पेस्टिसाइड तैयार हो जाए। नॉर्मली आप छोटे मोटे जो डिजीजेज हैं, नॉर्मल फंगस डिजीज जो लग जाती है या फिर बैक्टीरियल डिजीज भी लग जाती है प्लांट में, तो इसका छिड़काव करके भी उसको हटाया जा सकता है। बहरहाल मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें फंगीसाइड कैसे तैयार करना है वो मैं पूरा डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, बस हमारे साथ बने रहना है। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जम के कीजिएगा जिससे सभी किसानों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो लोग घर पर ही इसका प्रोडक्शन करके, इस घर पर ही बना करके इसको आसानी से अपने गार्डन एरिया में प्लांट्स पर आसानी से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो आप इसको जम करके शेयर कीजिए वीडियो को फटाफट, और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो अब आइए बताते हैं आपको इसमें अब क्या क्या मिलाना है। इसमें थोड़ा सा आपको हैंड वाश मिला देना है, लगभग एक से दो ड्रॉप आपको हैंड वाश मिला देना है, ठीक है। और अभी मैं आपको मिक्स करके दिखा दे रहा हूँ। अगर आपके पास हैंड वाश नहीं है तो आप उसके स्थान पे शैम्पू, कोई भी शैम्पू हो उसका एक से दो ड्रॉप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसको बॉटल में डाल दीजिए इसे, इसको इसमें फिल कर दीजिए। ये बॉटल क्या है, इस बॉटल को भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आया क्या है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने कहा था कि जीरो बैलेंस पर आपको लाखों रुपए कमाना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास ये बॉटल ऑलरेडी रखा हुआ था और बेकार पड़ा हुआ था, इसलिए इसका इस्तेमाल हमने स्प्रेयर बनाने में कर लिया है। आप भी आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही होगा, आप तमाम प्रकार के स्प्राइट या ड्यू वगैरह पीते होंगे, उसका बॉटल अगर आपके पास है तो उसको आप वाश करके उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखे इसमें माइन्यूट होल कर दिए हैं, स्प्रेयर का काम करेगा। जब आप किसी प्लांट पर इसका छिड़काव करेंगे इस तरीके से स्प्रेयर का काम करेगा आसानी से, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है। और अब आप कहेंगे कि ये पैसे से आया होगा, तो पैसे की बात यहाँ पर नहीं हो रही, बात यहाँ पर ये हो रही कि जो चीज़ें वेस्ट है पड़ा हुआ है उसका यूज कैसे करना है। तो ये बेकार पड़ा हुआ था इसलिए हमने इसका स्प्रेयर बनाने में यूज कर लिया है, ठीक है। अब इसको प्लांट पर, चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पर डिजीज है उस पर हम छिड़क करके इसका इस्तेमाल करके स्प्रेड करके आपको बताते हैं। बहरहाल इसमें हमने कहा था इसको और भी अच्छे तरीके से बेस्ट पेस्टिसाइड अगर बनाना है तो इसमें आपको क्या करना है, हैंड वाश का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है और इसमें फार्चून ऑयल का भी इस्तेमाल करना है। तो कितना डालना है इसमें, आइए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा आपके सामने फार्चून ऑयल, इसको हम थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल करेंगे, लगभग दो ढक्कन तक इसमें डाल देना है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हम यहाँ पर तैयार नहीं करें, अभी थोड़ा सा मॉलिक्यूल है ये, जितना हमने बनाया था वो अभी लगभग आधे से ज़्यादा बचा हुआ है, उसका 120% ही हमने यूज किया है इसमें। तो इतना हमको फार्चून ऑयल को डाल देना है और उसके बाद हमने कहा था कि आपको हैंड वाश का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास हैंड वाश नहीं है तो आप दूसरा एक टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके स्थान पे शैम्पू थोड़ा सा डाल देंगे इसमें। ये रहा शैम्पू, इसमें से थोड़ा सा इसमें आपको डाल देना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमा देना है, हिला देना है ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए उसी में, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि अगर आप इसको प्लांट पर छिड़काव करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो इसकी गंध से नीम की पत्ती का जो केमिकल्स होता है इसमें, जो एसिड पाया जाता है ना, उसकी वजह से ये इंसेक्ट इसके पत्तियों के आसपास, जिस भी प्लांट पर आप छिड़काव करते हैं उसके आसपास तक भी नज़र नहीं आते हैं, ओके। अब आपको इसको थोड़ा सा घुमा देना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए जो शैम्पू आपने डाला है इसमें। तो दोस्तों, इस तरीके से बायो पेस्टिसाइड तैयार हो चुका है। अब इस बॉटल में बायो पेस्टिसाइड जो तैयार हुआ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस टाइप का है ये, किसी भी प्लांट पर जो भी इंसेक्टिसाइड डिजीज होंगे, पेस्ट डिजीज होंगे, उसको आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हार्मफुल नहीं है, जो यूजफुल इंसेक्ट होंगे उनके लिए हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये सबसे बड़ी बेनिफिट है इसका।
तो ये हो गया आपको, चलिए स्प्रेड करके मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर इंसेक्ट लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको इसका छिड़काव करना है। और दूसरे दिन मैं रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि सारे के सारे इंसेक्ट गायब हो जाएंगे वहाँ से या मर जाएंगे। अब इस पत्ती का क्या करेंगे जो उबालने के बाद बची हुई है, तो दोस्तों इस पत्ती से आपको बनाना है पाउडर, नीम केक पाउडर तैयार करना है। तो नीम केक पाउडर तैयार करने की पूरी कंप्लीट विधि आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर उतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि वीडियो में दोनों नहीं बताया जा सकता। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में नीम केक कैसे बनाया जाता है, नीम केक पाउडर कैसे बनाया जाता है, जो कि इंसेक्टिसाइड का पेस्टिसाइड का भी रोल करता है, और कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, कैसे आपको यूज करना है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट जानकारी आपको मैं दूंगा। बनाने की प्रक्रिया भी आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहली बार जुड़ रहे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ जाए और अगला भी वीडियो आपके सामने जल्द ही आ जाए। तो चलिए प्लांट पर स्प्रेड करके आपको बताते हैं कहाँ पर लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस बोतल को अब अभी आपको 24 घंटे तक छोड़ के रख देना, मतलब 24 घंटे तक ऐसे रहने दीजिए। बस ध्यान दीजिएगा इस पर लाइट की ना पड़ने पाए, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति में रहे, ठीक है, डार्क में या किसी पॉलीथीन में आप बंद करके इसको रख दीजिए। लगभग 24 घंटे तक ऐसे इसको छोड़ देना है, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पेस्टिसाइड बन करके तैयार हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, इस प्लांट को हाविया का प्लांट है, ऑर्नामेंटल सजावटी पौधा है, जो कि स्कूल कॉलेज में ज़्यादातर लगाया जाता है गमलों में। तो आप इसमें देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर तमाम प्रकार के इंसेक्ट लगे हुए हैं, बहुत ढेर सारे इंसेक्ट लगे हुए हैं, और इसकी पत्तियों को खा जा रहे हैं, यानी इसकी पत्तियों में जो प्रोटोप्लास्ट है उसी को शक कर रहे हैं ये सब। तो इसी पर हम छिड़काव करेंगे, जो हमने अभी पेस्टिसाइड आपको बना के दिखाया है उसका छिड़काव हम इसी पर करेंगे, और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कि ये सब ख़त्म हो गए या डिस्ट्रॉय हुए या फिर इसको छोड़ा इन्होंने कि नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेगा, डिटेल आपको रिजल्ट भी मैं जल्द ही दिखाऊंगा। तो इस पर मैं स्प्रेड कर देता हूं इस तरीके से इसमें प्लांट में पूरे पत्तियों में हम इस पर स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ये पूरी पत्तियों को खा जा रहे हैं। और देखना ये है कि जो पेस्टिसाइड हमने तैयार किया है वो कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो बहरहाल गाइस, हमने पूरे प्लांट की पत्तियों में इसका छिड़काव कर दिया है, जो हमने पेस्टिसाइड तैयार किया था कंप्लीट इसमें स्प्रेड हमने कर दिया है। अब आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ एक दो दिन में कि ये सभी इंसेक्ट डिस्ट्रॉय हुए, ख़त्म हुए या नहीं हुए। ओके, सो गाइस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रेड किया गया था, जो हमने बायो पेस्टिसाइड बनाया था और आपको दिखाया था कैसे बनाया जाता है, वो बायो पेस्टिसाइड इस पर स्प्रेड किया गया था, ये मैं आपको दिखाया था। दो दिन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इंसेक्ट थे वो सब इंसेक्ट लगभग धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे हैं। सब पत्तियों को एकदम अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं उन्होंने छोड़ दिया है, सब डेड हो चुके हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जो आप ये अभी इंसेक्ट देख रहे हैं ना, ये सब धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बायो पेस्टिसाइड कितना यूजफुल है, और इसे आप सब आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं और अपने आसपास के जो प्लांट हैं पौधे हैं उन पर यूज कर सकते हैं, इसका अपने गार्डन में यूज कर सकते हैं। ये जो कीट है ये सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। आगे भी आपको फंगीसाइड कैसे बनता है इसकी प्रोसेस मैं आपको डिटेल बताऊँगा। ओके,